हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस। टुडे वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर होती क्या है, इसके डेरिवेशन समझेंगे और इसके डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर है क्या। इसको आपको हम लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है, उसको हम समझा देते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने से क्या मतलब है कि कंडक्टर को हमें चार्ज देना है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने के लिए, मीन्स चार्ज करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो वर्क है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे दिखाएंगे यू से। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जो आपका वर्क डन होता है फॉर चार्जिंग द कंडक्टर, ठीक है, तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। इसे हम डिफाइन करते हैं यू से, मतलब डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, तो आगे हम आपको इसको डेरिवेशन बताएंगे आज, और डेरिवेशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि इस टाइप का है। ठीक है, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स इनिशियल कंडीशन क्या है इसकी, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी हम अगर ले लें, जीरो ले लें, जीरो कूलम ले लें। ठीक है, जीरो कूलम हो गया। जब चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल भी आपका जीरो हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो वोल्ट बोल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, अब क्या किया है, कुछ टाइम के बाद हमने इसको चार्ज दिया, मतलब आफ्टर सम टाइम कुछ चार्ज दिया हमने। चार्ज की वैल्यू को क्यू लेट कर लेंगे और पोटेंशियल जो इससे इंक्रीज हो जाएगा उसकी वैल्यू को हम लोग वी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो चार्ज होने वाला है और जो पोटेंशियल होने वाला है वो कितना होगा, इसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इन फाइनल कंडीशन देख लेते हैं। जब हमने चार्ज क्यू दे दिया है तो पोटेंशियल वी हो गया है। ठीक है, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू क्यू कूलोम। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब हिंदी में बोलते हैं विभव। ठीक है, वी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एवरेज पोटेंशियल निकालना है। एवरेज पोटेंशियल निकाल दो, मीन्स कितना पोटेंशियल आपने दिया। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल का मतलब क्या है, फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है, इनिशियल कितना था, जीरो। ठीक है, और फाइनल कितना आ चुका है, वी अपॉन में टू। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा एवरेज पोटेंशियल, वी बाई टू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्क डन की, तो वर्क डन वाले फॉर्मूले से भी हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W। W की वैल्यू मिल चुकी है हमें, W इज इक्वल टू V क्यू, जो यही वैल्यू है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा डायरेक्शन और बाकी है। W इज इक्वल टू V, V की वैल्यू कितनी, एवरेज पोटेंशियल कितना आ चुका है, V बाई टू। ठीक है, तो वी कैन पुट V बाई टू इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ भी पुट कर दिया हमने, W इज इक्वल टू V बाई टू इंटू क्यू। अब क्या करना है, ये आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देखो, अब हमारे पास अगर हम कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, कैपेसिटर मीन्स जिसको हम बोलते हैं संधारित्र, अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या करना है, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक बार V की वैल्यू निकालेंगे, एक बार Q की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम Q की वैल्यू निकालते थे, तो C V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q की जगह पर रख देंगे इसको, ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले Q की जगह पर रख देंगे, तो W इज इक्वल टू V बाई टू इंटू वी क्यू, सी वी हो जाएगा, सी वी पुट करेंगे तो V इंटू वी विल बी वी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई टू सी वी स्क्वायर। ठीक है, W को हम यू लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क, और जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो 1 बाई टू सी वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगली बात में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग V की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम फिर से कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू V बाई टू इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, क्यू की वैल्यू को हम लिख चुके थे, अच्छा ये रखना है हमें V की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आई हुई है अभी यहाँ पे, क्यू बाई सी। ठीक है, तो क्यू बाई
टू सी हो जाएगा इंटू क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये भी फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है। डब्ल्यू को हम यू को इक्वल कर देंगे बिकॉज ऑफ द वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये था आपका डेरिवेशन और इसको आप समझिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला में कैपेसिटेंस का यूज़ करना है और V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यूज़ करना है, एवरेज पोटेंशियल निकालना है, बस सारी वैल्यूज एक बार Q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक बार V की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे, हो गया। ठीक है, इतना रखते हैं, थैंक यू।